We also have our chief patrons and directors of the advisory board joining us. We would also like to welcome Dr. Anita Bhatnagar Jain, retired IAS officer of high repute. As a former additional chief secretary for government of Uttar Pradesh and member of UP Public Service Tribunal, ma'am has been tirelessly working for environmental issues for the last 2 decades. In fact, ma'am has also produced a film, Hamari Prithvi Hamara Ghar, which has been screened at UNESCO. And now I shall like to invite upon the podium Dr. Anita Bhatnagar Jain ma'am for her inaugural speech to further boost our students' journey on the path to success with her words of inspiration and wisdom. Round of applause for Dr. Anita Bhatnagar Jain. Ma'am, we are indeed honored to have your august presence with us today. Sabhi ko mera namaskar. मंच पर उपस्थित आप सभी से अनुरोध है, थोड़ी सी देर सुन लीजिए. आज आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना? और हम सब आपकी इस खुशी में शरीक होने के लिए आए हैं. बहुत लंबा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा बोलूँगी, ठीक ओके? मंच पर उपस्थित परम आदरणीय जस्टिस मसूदी साहब, डीआर बंसल साहब, राजेंद्र भोनवाल सर, शर्मा जी, श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी के सभी लोग, मीडिया के बंधुओं और 3 साल के आप लोग जो अपने अपने कॉन्वोकेशन के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं. कुछ लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा कि इतने दिन बाद आप फिर से वहाँ वापस आए जहाँ आप पढ़े थे और आज कॉन्वोकेशन में आपको अपनी डिग्री मिल रही है. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता क्यों? एक तो इसलिए कि आज आपकी वजह से हमने ये एक विशिष्ट वेशभूषा पहनी. हमारे समय में कॉन्वोकेशन होती नहीं थी, तो आपके बहाने ही, बंसल साहब के बहाने ही सही, आज ये परिधान पहना तो बड़ा अच्छा लगा. साथ ही साथ इसलिए अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आज हम सब आपकी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग योर अकम्प्लिशमेंट्स ना. यू गाइज हैव वर्कड हार्ड एंड यू आर गेटिंग योर डिग्रीज. सो कैन आई हैव अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर यू गाइज, फॉर योर सेल्फ? देखिए, हम जिंदगी में कहाँ पहुँचते हैं ये बहुत सी चीज़ें पहले तय हो जाती हैं. हम किस देश में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किस समय में पैदा हुए, तो बहुत सी चीज़ें तो पहले से तय हैं. कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अपने हाथ में होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं. और जो आपके हाथ में था वो आपने बहुत अच्छा कर दिखाया कि आप इतने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से आपने MBA की डिग्री हासिल की. और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, क्योंकि जाहिर बात है मेरा ज़रा जेंडर पर ज़्यादा ध्यान रहता है, कि 40% लड़कियाँ हैं आज जिनको डिग्री मिल रही है. सो कैन वी हैव अ क्लैप फॉर द गर्ल्स? ये अब मैं सारे लड़कों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके सहयोग से ही लड़कियाँ और आगे बढ़ पाती हैं, क्योंकि समाज में हम सबको एक साथ आगे बढ़ करके चलना है. अब देखिए, मैंने बहुत लंबी सर्विस पूरी की, उसके बाद अपर मुख्य सचिव से सेवानिवृत्त हुई और आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुला लिया, तो कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगी ज़रूर. 3-4 चीज़ें जो आप खुद करते होंगे. स्वयं में विश्वास, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती, बहुत चुनौतियाँ मिलती हैं और बहुत से समय ऐसा लगता है कि आगे कुछ संभव नहीं है, लेकिन वो बुरा समय जो है और वही चुनौतियाँ जो है वही हमें मजबूत बनाती और वही वास्तव में हमारा विकास करती हैं.
क्योंकि वो समय आता है लेकिन निकल जाता है, लेकिन ज़रूरी होता है कि हम कैसे उस समय में रहें। दूसरी बात ये, कुछ अलग करिए। अगर सारे लोग एक सी चीज़ करेंगे तो क्या होगा? वी जस्ट बी क्लोन्स। To dream and do something different, because each one of you is very, very special and you have that capacity and the power. But provided you tap into that potential and you really want to do something different. तीसरी चीज, बहुत से लोग हैं जो आपकी आलोचना करेंगे, criticize करेंगे, पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप जायज चीज ना करें। मैंने बहुत बहुत साल पहले जब मैं डीएम कानपुर थी तो गंगा जी के घाट खुद साफ किए थे, और उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई थी कि कहीं कोई आईएएस ऑफिसर कूड़ा उठाता है, लेकिन उस आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जायज चीज़ करते थे, और उसी के परिणाम स्वरूप 100,000 बच्चे जुड़ पाए जिनके माध्यम से हम लोगों ने पर्यावरण के छोटे छोटे काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुश रहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कहाँ पर हैं? किसी को आइडिया है हम लोग कहाँ पर हैं? 100,000, यू हैव टोल्ड मी द फिगर, थैंक यू। मतलब हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, सीरियस रहते हैं, जीवन में मेहनत करनी, लेकिन खुश क्यों नहीं रह सकते साथ साथ? आदत पड़ जाती है गंभीर रहने की। मुझे ख्याल है कि कुछ विभागों में मैं तैनात थी तो किसी ने एकदम से मुझसे कहा, अरे आप मुस्कुरा रही हैं, यहाँ कोई मुस्कुराता नहीं है, क्योंकि सबको गंभीर रहने की आदत हो गई थी। तो अपने अंदर की जो खुशी है उसको बरकरार रखिए, आप जहाँ कहीं भी हो। कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लक्ष्य था कि 2100 तक हम अचीव ना करें दुनिया में, वो बाय द वे पिछले साल वी हैव मेट इट, और इसमें हम सब हर एक का योगदान है। तो आप जिस दुनिया में होंगे, चाहे आप जितना कमाते होंगे, लेकिन फिर भी उस दुनिया में रहना कितना कठिन और जटिल होगा, इस दिशा में सोचकर उस दिशा में भी कुछ करिएगा। तीन चीज़ें मैं आपको सुझाव दे रही हूँ क्योंकि मैं एनवायरमेंट पर 24 साल से काम कर रही हूँ। एक चीज़, रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद करिए। कर सकते हैं? यस, क्योंकि वो जो बेंजीन निकल रहा है उससे कैंसर हो रहा है। दिल्ली के आंकड़े हैं कि अब 50% कैंसर बढ़ गया है बच्चों में और सब में, बिकॉज हम तो वहीं पर एक्सहेल कर रहे हैं, वही हम ब्रीथ इन कर रहे हैं। 2006 का आंकड़ा है कि एक दिन में दिल्ली में मुख्य चौराहों पर 4.25 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता है केवल लाइट बंद ना करने से। 2006, एंड वी आर इन 2024 नाउ। ओके, यू आर कन्विंस्ड? नंबर 2, जहां बिजली की जरूरत नहीं है बिजली खुद बंद कर देंगे? बिजली कोयले से बन रही है, वातावरण में उतना प्रदूषण जा रहा है, उतनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उतनी गर्मी बढ़ रही है, एंड इट इज अ विशियस सर्कल। ठीक। तीसरी चीज, रिड्यूस योर कंजम्पशन। जितने कम संसाधनों का उपयोग करेंगे, जितना आपको सही लगे उससे थोड़ा कम, तो बहुत संसाधन हम बचा पाएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छी सुंदर सी दुनिया में आगे रहने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी। बंसल साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सर के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है। और मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ एक स्लोगन से जो मैंने बाल पर्यावरण वाहिनी को दी थी, जो आप पे, मुझ पे, हर जने पे लागू होती है। हिंदी में बोलूं तो, एक सृष्टि एक जीवन। हम सबके पास यही एक सृष्टि है और एक ही जीवन है, चाहे आप पुनर्जन्म में यकीन करते हो तो भी पता नहीं रहता कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे। एक सृष्टि एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है, तो थोड़ा सा कुछ करिए, छोटा सा चिराग जलाइए। बहुत बहुत शुभाशीष। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your words of insight on global warming, wisdom and power. You are indeed a role model for all our students.